और इसी के साथ नागौर का रुख करेंगे, जहां पर पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया। एक बार फिर से बता दें, नागौर से खबर है, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा हुई, पेपर लीक का मामला सामने आया। पेपर लीक हुआ, नकल की योजना बनाने वाले दो लोगों को गिरफ्तार भी किया पुलिस ने, एक लाइब्रेरियन और एक कोचिंग संचालक को शुक्रवार को हिरासत में ले लिया गया था। 3 दिन बाद भी पुलिस अब मामले में खुलासा नहीं कर पाई है। मीडिया को मामले के बारे में कोई भी किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। नागौर, बिकने और जोधपुर के कई अभ्यर्थियों के पास करवाने के नाम पर रुपए ऐंठे जाने की बात सामने आई। हनुमान हमारे साथ से जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर जो पेपर लीक की योजना बनाई गई थी, उस योजना का भंडाफोड़ नागौर पुलिस ने एक दिन पहले कर दिया था। नागौर पुलिस की ये बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही थी कि इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दो लोगों को पुलिस ने उस दिन हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए। शुक्रवार की ये घटना है, उसके बाद से लगातार आज 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई खुलासा इस मामले को लेकर नहीं किया गया है। अभी तक जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है, एक लाइब्रेरियन और एक दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस ने मीडिया को अभी इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी है, ना ही पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई अभी तक बयान आया है कि ठीक है कोई बयान सामने आएगा, मीडिया को कोई जानकारी दी जाएगी, हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा। तो एक बार फिर से पेपर लीक का मामला सामने आया।